तभी मुझे ये होली बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे पूरे गाल जल रहे हैं। क्या बज गया लो? हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आप सबको होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग पकवान बनाएंगे। और अभी काम वगैरह है, फिर जल्दी से लोग आ जाते हैं तो चलते हैं फिर। ठीक है, तो गाइज हमारा नाश्ता बन चुका है। झोई बन रही है, सब्जी और पापड़ तल गए हैं जो मेहमान लोग आएंगे उनके लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पापड़ वगैरह होते हैं। और फिलहाल हम एक दो रोटी खा रहे हैं, फिर बाद में नहाने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। खाने की तैयारी तो हमने अभी से कर दी है, भात चढ़ाएंगे। तो ये जो जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले नीचे वाले घर में जाएंगे जहाँ पे शादी हुई थी, फिर वहाँ से एक एक घर करके ऊपर आएंगे और सबको कलर वगैरह लगाएंगे। तो फिर हमारे घर की बारी होगी यार, पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। तो हम लोग भी यार, मेरे को पता लगा कि हम लोग भी नीचे जा रहे हैं और नीचे से फिर ऊपर तो आएंगे यार। Oh,
लोग इस घर में आए होली मनाने के लिए। यार हरा हो गया सारा चेहरा मेरा।
चाचा लोगों के घर आई है तो चलो तभी मुझे ये होली बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे पूरे गाल जल रहे हैं। पता नहीं ऐसी भी क्या होली खेली जब मैं नॉर्मल कलर लगाने दे रही हूँ तब, और ऐसा कलर लगा दिया कि अब जलन इतनी ज्यादा हो रही मेरे फेस में। तभी मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है। कलर तो लाओ थोड़ा सा, वहां से लेके आता हूँ। मैंने लगाया सबसे पहले कलर होली खत्म, अब घर को जा रहे हैं हम लोग। लास्ट में थोड़ा मूड खराब हो गया है मेरा, क्या कर सकते हैं। लास्ट में थोड़ा डांस होता मगर वो नहीं हो रहा है। अभी सब लोग घर जा रहे हैं और फिर ना करके बस खत्म हो गया। क्या बज गए आलम, कल्लू भी बिखाया गया कल्लू। अरे यार कुत्ता भी क्या मार रहा, मेरा स्टैंडर्ड है कितना चला।
होली बन चुकी है हमारी, लास्ट में थोड़ा मूड खराब हो गया था अभी मैंने आपको बताया। और यार मैं एक और सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं नीचे ऐसे बैठी हुई थी तो हिमांशु ऊपर से बाल्टी का पूरा पानी मेरे ऊपर डाल दिया और मैं पूरी भीग चुकी हूँ अभी। मुझे पानी से कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे वो कलर से दिक्कत है जिसमें कांच होता है, मतलब शायद वो पक्का कलर होता है, उससे ना बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होता है यार, बस मुझे उससे प्रॉब्लम है। और नॉर्मल कलर से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये फिर हरकतें करते हैं ना वो अच्छी नहीं लगती है। और बाकी आज दादा को देख करके, बड़े वाले दादा को देख करके मुझे मेरे दादा की भी याद आई और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा याद आती है अपने बड़े लोगों की, वो भी होते तो कितना अच्छा होता। और सच में बोलती हूँ मैं, अगर आपके दादा दादी हैं तो उसकी कदर करो, नहीं मिलते हैं ठीक है, कुछ ही टाइम तक के लिए होते हैं, तो जब तक हैं तब तक उनकी कदर करो। और बाकी होली मन गई है और शाम को भी शायद आलू वगैरह बनेंगे ऐसा मैंने सुना, तो अभी चलते हैं नहा लेते हैं। अच्छा रहा आज, बस बीच में जो कलर लगा दिया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आप सभी को हैप्पी होली, बी सेफ, अच्छे से खेलिए। और वैसे भी मेरे व्लॉग लेट आने वाला है यार, होली के पता नहीं कितने देर बाद आएगा, तो वो क्या, तो मिलते हैं आपको ना करके। तो गाइस ना धो लिया है और खाना भी खा लिया, कपड़े भी धोती हैं, और आसमान ना आज मतलब बादल गरज रहे हैं और मतलब मे भी शायद बारिश भी हो जाएगी ऐसा फील हो रहा है। और जो सबसे बड़े दादे का घर है वहाँ पर आलू के गुटके बनेंगे और सूजी, मतलब जो जो भी बनेगा, मगर अभी बन रहा है कुछ नाश्ता ना, ऐसा प्रसाद मानते हैं उसको, ऐसा बोल रहे थे। तो फिर जाएंगे थोड़ी देर में वहाँ पर भी और देखते हैं। बारिश भी पड़ने लगी और ओले भी पड़ रहे थे पता है, और बहुत ज़्यादा मतलब गरज रहा है जोर जोर से। बेचारे डॉगी कहाँ पर है यार, इसको भी बांधती हूँ मैं अंदर। तो चलते हैं हम भी, और क्या बोलते हैं, चाची आ गई है, सासू माता तो पहले पहुँच गई, तो पैक फूक हो गई हूँ मैं, और चलते हैं अब चलते हैं। किधर से जाएंगे, इधर से चलते हैं, छाता गिर जाएगा तो नहीं लगता है, छाता कुछ नहीं होता है, सबसे बड़े छाता हम हैं। ये लोग पहले ही पधार गए यहाँ पर, मिलना और तूने मेरे को बुलाया, मैं खुद नीचे बारिश में अटक रखी थी, तो मुझे बुला नहीं चाहिए, खुशी भी नहीं, भी नहीं मानूंगे। चलो भाई आलू के गुटके खा लिए, अब चल रहे हैं हम घर, पन्नू लोग और हम लोग सब लोग जा रहे घर। चलो चलो चलो, और फिर से चुप रहे ना, आलू के गुटके सही। और अब फिर से ठंड बढ़ चुकी है, मेरी फ्रेंड बोलेगी कैसी हरकतें करती है। हेलो कुछ और लोग ब्याह शुरू हूँ सुनी ब्याह आ गई दादी के लिए।